वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉक्टर रेड्डी के फॉल होने के रीजन, इम्पोर्टेंट कल के लेबल, आगे आने वाले टाइम में लेबल, पोजिशनल ट्रेडिंग बेसिस एंड इसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल के हमारे इम्पोर्टेंट स्टॉक्स। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऐसा कौन सा डेटा जो है उलट गया है जो कि हमें जानना चाहिए। सो बने दिएगा लास्ट तक, देंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन कल की कॉल के साथ। उसके पहले चैनल से जुड़े रहने के लिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। ट्रेंड शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट नहीं ओपन किया तो एंजल और आस्था के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लिंक पे क्लिक करके अकाउंट जरूर ओपन कीजिए और ईएपी को सपोर्ट करते रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर रेड्डी को ऐसा क्या हुआ कि शेयर जो है 10% टैंक हो गया। तो आज की हेडलाइन बनी है डॉक्टर रेड्डी क्वार्टर वन रिजल्ट, कंसोलिडेटेड पैट फॉल यो टू 571 करोड़, सेल्स राइजेस 11% एंड स्टॉक टैंक 10%। चंगा जी चंगा करते हुए शेयर को आप लोगों ने गिरा दिया 10%। एंड आगे चलने से पहले जो भी हमारे फॉलोअर हैं, न्यूई हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन, इस शेयर को लाइव में स्पॉट किया था हमारे स्टूडेंट अमित जी ने कि सर डॉक्टर रेड्डी में बहुत अच्छी फॉल हो रही है और बहुत ही अच्छे टाइम पे स्पॉट किया था। मैं उनका मैसेज पढ़ रहा था राइट नाउ, मैं ड्राइविंग में था। तो अमित जी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं सोचा था कि आपको जो है वीडियो में अप्रिशिएट करूंगा और उस समय मैं ड्राइव भी कर रहा था, अदरवाइज मैं कोई कॉल जरूर जनरेट करता उसके बाद। बट वो काफी जो है आपने अच्छा टाइम पे जो है स्पॉट किया, रियली माइंड ब्लोइंग। इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग, किसी भी आप फील्ड में हो लर्निंग बहुत जरूरी है। जब लर्न करोगे तभी दिमाग काम करेगा। सो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पैट है, कई लोगों के लिए नया चीज होगा, जो हमारे फॉलोअर हैं या जो फाइनेंशियल के बारे में टर्म्स नॉलेज नहीं रखते हैं, तो कई लोग सोचेंगे कि ये पैट क्या है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो यहाँ पे गिरा है डॉक्टर रेड्डी का। तो डॉक्टर रेड्डी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे गिरा हुआ है, सेल्स जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अब आगे जानते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर क्या है। तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 11% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इन्होंने जो आज का जो ये क्वार्टर है रिपोर्ट किया, बट मिस द स्ट्रीट एस्टिमेटेड, जो कि एस्टिमेट किया गया था वहां पे डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। सेकंड है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द क्वार्टर हैज बीन ड्राइवन बाय हेल्दी सेल्स ग्रोथ, इनका जो फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा ड्राइव हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट यहाँ पे जो इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं जीवी प्रसाद जी, वो बोल रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस हूँ कि कंपनी जो है काफी इंप्रूव करेगी, मार्जिन आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, जो कि एक लीड करेगा स्केल अप, रिसेंट लॉन्चेज, जो नए प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हुए हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन फिर भी आप लोगों ने चंगा है जी बोल के शेयर को 10% गिरा दिया। यूरोप रेवेन्यू जो है इनका बढ़ा हुआ है 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्टडी इम्प्रूवमेंट है डिमांड एंड सप्लाई चेन में, जो कि हुआ है स्टडी इम्प्रूवमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से, जो कि इनको हेल्प किया है ग्रो करने में। फिर भी शेयर को जो है गिरा दिया चंगा जी चंगा बोलते हुए। नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस वाज अंडरवेलमिंग इन दिस इन द क्वार्टर, ये जो नॉर्थ अमेरिकन का जो इनका बिजनेस था वो अंडरवेलमिंग था इस क्वार्टर में। रिवेन्यू जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ है केवल और केवल 1% ईयर ऑन ईयर, जबकि वीक बेस एंड कंसिडरेबल प्रोडक्ट लॉन्चेस था। यहाँ पे अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि प्राइस जो इरोजन था इन सर्टेन प्रोडक्ट में, उसकी वजह से यहाँ पे जो इनका सिक्वेंशियल बेसिस पे सेल्स जो है वो थोड़ा सा गिरा हुआ है। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इन क्वार्टर एंड प्रॉफिट 13% गिरा हुआ है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ इनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये पैनेडेमिक रिलेटेड कॉस्ट बेनिफिट था, जो कि लास्ट ईयर ही जो है कंपनी ने काफी सारा जो है मजा उसका ले लिया था, तो उसके बाद जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 13% गिरा हुआ है। तो ये सारे रीजंस थे, लेकिन मुझे ऐसा ये रिजल्ट देके ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि शेयर को जो है 10% गिरना चाहिए था, है ना 10%। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है क्यों 10% गिरना चाहिए था। आप लोगों ने सुना होगा जब भी मैं फार्मा के शेयर कोई भी डिस्कस कर रहा था चैनल पे, कोई भी अगर क्वेरी करता था तो मैं दो चीज बोलता था कि फार्मा देखिए बहुत चल चुका है, भाव हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, भाव ही भगवान से, गुजरात में कहावत कही जाती है। कितने लोग गुजरात से हैं वीडियो को देख रहे होंगे, जरूर एक बार बताएंगे कि सर आई एम गुजरात, ताकि हमें ये पता चले कि इस समय हमारे इस वीडियो को कितने लोगों ने गुजरात से देखा, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पे मैंने हर फार्मा के लिए एक ही चीज बोली थी
कि अपर लेवल पे सावधान रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। और एक ऐसा जोन था जिसको मैंने बोला था कि यहाँ पे आप बने रह सकते, वो था एपीआई डिवी स्लैब। जाके देखिए डिवी स्लैब टॉप पे, वो गिरने वाला भी नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि वो ऐसा गिरेगा तो वो नहीं गिरेगा। अभी हमने एक जो ग्लेनमार्क फार्मा का जो आईपीओ वाला जो वीडियो पोस्ट किया है, हमने बोला हुआ है कि ये करोड़पति बनाएगा और डेफिनेटली वो आपको बनाएगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस फार्मा के आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, फार्मा एंड एपीआई दोनों अलग अलग डोमेन है, सो एपीआई पे बहुत मजा आएगा। तो अब हम जानते हैं कि टेक्निकली कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रेड्डी के लिए। जिन लोगों ने भी पोजिशनल शेयर बाय किया हुआ है, कहीं ऑफिस में थे, कहीं बाहर बिजी थे, देख नहीं पाए, शेयर गिर गया, उनके लिए लेवल है 4704। अगर 4704 को डॉक्टर रेड्डी क्लोज कर ले गया ब्रेक करके, तो फर्दर जो फॉल है वो गहरा सकती है, अदरवाइज ये यहाँ पे संभल जाएगा। अब कई सारे हमारे फ्रेंड होंगे जो हमारे एनालिसिस को बिल्कुल दिल से लगा लेते हैं। कौन से? जिनके पास शेयर होता है, वो बाई में है, टॉप पे बाई किए हुए अपने मन से, और शेयर गिरने लगता है। और अगर कहीं हमने अपनी एनालिसिस के वजह से बोल दिया ये शेयर और आगे गिरेगा, तो उनकी हालत खराब होने लगती है। फिर उनको लगता है कि हम उनको एग्जिट दिला रहे हैं। मेरे भाई, हम आपको एग्जिट नहीं दिला रहे हैं। पैसा आपका है, कैपिटल आपका है, बने रहिए, बने रहिए। अदानी पावर में जिस दिन से हमने बोला, एक दिन चलने के बाद दो तीन दिन कंटिन्यू गिरा है, और वो भी गिरते ही जा रहा है। अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है कि वो रिवर्स हो, ठीक है, बट फिर भी कुछ लोगों को जो बातें हैं वो चुभ जाती हैं। गलत तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो चुभेगी। अब गलती से आप 5200 पे बाई कर रहे हो डॉक्टर रेड्डी को, अगर आपके पास सिर्फ 5000 सपोज इन्वेस्ट करना है, 6000 इन्वेस्ट करना है, और आपको एक ही शेयर बाई करना है, और अगर आप 5200 पे डॉक्टर रेड्डी को बाई कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बुद्धिमान आदमी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। तो आपको तो बुरा लगेगा ही अगर 10% गिरेगा तो, जबकि आपने सबसे बड़ी गलती क्या की, आपने टॉप पे बाई किया। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर रेड्डी 4704 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको देख सकते हैं। अब एक और स्टॉक है जिसपे हमारे काफी सारे दिल से फॉलो करने वाले जो स्टूडेंट है, फॉलोअर है, वो बोलते हैं कि सर 10 मिनट डिस्कशन होना चाहिए, वो है रिलायंस। तो रिलायंस के ऊपर मैं आप लोगों को एक लेवल दिया था कि पॉसिबल है कि यहाँ पे आएगा। अगर ऊपर का लेवल 2125 2130 को क्रॉस नहीं किया, 2150 को, जो था 2039 3035 आ गया। अब 2039 35 इंपॉर्टेंट लेवल है, की पाई। अगर कल होल्ड करता है, ऊपर निकल रहा है, फिर भी आप यही एसएल डाल के देख सकते हो एक बार बाई के लिए, मार्केट अगर साथ देगा तो, या ये मार्केट को साथ देने लगा, या अगर आने वाले दिनों में 2035 अवेलेबल है, होल्ड है यहाँ पे, तो हमें ये गेन यहाँ से देखने को मिल सकती है। बट रिलायंस पे जो पोजिशनली जो व्यू है वो थोड़ा सा वीक साइड जा चुका है। अगेन ऐड कर रहा हूँ और अगेन आप लोगों को एक कॉशन बेल दे रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट में अपर लेवल पे अब सावधान हो जाइए, ठीक है। अब सावधान होने की यहाँ पे आपको जरूरत है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने कल के स्टॉक्स पे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है मैक्स फाइनेंस, इसको आज हम लोगों ने इंट्राडे में बाई भी दिया था, प्रॉफिट हुआ, ठीक ठाक हुआ। अब हम लोग इसको कल के लिए सेल के लिए रखे हैं 1110 के नीचे, विथ एसएल 1121 1110 के नीचे सेल कर सकते हैं। विथ एसएल हमें मेंटेन करना पड़ेगा 1121। दोस्तों ये जो भी वीडियो हम लोग पब्लिश करते हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपका है उसकी सलाह जरूर लीजिए किसी भी ट्रेड को करने से पहले। नेक्स्ट अब हम लोग की जो कॉल है वो हीरो मोटर कॉर्प। आप लोगों को याद होगा हीरो मोटर कॉर्प मैं कितने दिन से कवर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 दिन तो मैं इसको कंटिन्यू जो है कवर किया हूँ, ठीक है, सेशन में जब भी आया हूँ। और हमने जिस दिन से इस पे ऐसे हाथ रखा हुआ है कि ये गिरेगा, वन साइडेड गिर रहा है, आप चार्ट चेक कर सकते हो, अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कहाँ से स्टॉक कहाँ आ चुका है। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको अपने रडार पर रख के चलिए, ये शेयर हो सकता है कि यहाँ से हीरो से जीरो की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब कल के लिए क्या है, 2785 के नीचे विथ एसएल 2799 इसको सेल करना है, प्रॉपर सस्टेन होने के बाद सेल कीजिएगा, क्योंकि ये लेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेबल है आने वाले दिनों के लिए। नेक्स्ट जो हम लोगों का स्टॉक है वो है आईजीएल, ये सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए कल हमने रखा है, 551 के ऊपर बाई होगा विथ एसएल 543। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 35,335 एंड सपोर्ट है 34,205। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि बैंक निफ्टी का जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 34,797 के ऊपर आज की क्लोजिंग आई है, और हमने आपको 34,205 का जो है सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, 34,205 यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट नीचे है, वो सपोर्ट के लिए है। अब अगर बैंक निफ्टी आपकी 34,650 के लेवल को कल होल्ड कर रही है, ब्रेक नहीं कर रही है,
तो आप ये समझिएगा कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड रहेगी और इसको होल्ड करेगी तो फिर हम यहाँ से ऊपर की चाल देख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो डेटा है उसमें चेंजिंग हुआ है, लोगों ने अपने हॉर्स को चेंज कर दिया, ठीक है, बड़े ट्रेडर ने अपने हॉर्स की डायरेक्शन को चेंज किया, बट अभी नाइट बाकी है, ठीक है। सो कुछ और चेंज हो सकता है मार्केट में, नहीं उनके मूड में, तो हो सकता है कि सुबह पोजीशन फिर से कन्वर्ट हो जाए, इसलिए कल ओपनिंग के बाद 34,650 का लेवल ध्यान देना है। अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है तो आपको अब सेल नहीं करना है, सेल कब करना है, 650 के नीचे ही, 590 के नीचे ही सेल करना है प्रॉपर सस्टेन के बाद, अदरवाइज यहाँ पे सेल रिस्की हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सेल रिस्की हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए सबसे पहले मैं डेटा शेयर कर दूँ। यहाँ पे देखिए कई तरीके से जो है आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है। अगर ये देखेंगे आईफल टावर जो बना हुआ है 15,800, 15,900, 15,950, 16,000, तो सब पे जो एक आईफल टावर है, तो बहुत लोगों के लिए क्या है कि ये कॉल सेलर है ना, बिल्कुल कॉल सेलर है। लेकिन मेरा एक कॉन्ट्रा क्वेश्चन है और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि किसी ने सेल किया है तो किसी ने तो बाई भी किया होगा, है ना। अब आप ये तो बता नहीं सकते कि किसने बाई किया है, हो सकता है किसी बड़े वाले ने बाई किया हो, ओके। एंड मैंने कल आपको ऐड किया था कि हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन बड़ी मूव लाने की प्लानिंग हो और प्रीमियम को गलाया जा रहा हो। जो आज डेटा कन्वर्ट हुआ है जिस साइड से, जिस टाइप से कन्वर्ट हुआ है सडन, उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है, लेकिन ये कल डायरेक्ट कन्फर्म नहीं हो जाएगा, ये सेकेंड सेशन तक कन्फर्म होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। बट पहली जो सिग्नल है छोटी वाली वो आई है, ठीक है, वो आई है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कल, कि हमें निफ्टी के लेवल को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस 15,875 है और 15,665 का जो है यहाँ पे सपोर्ट है, 15,875 रेजिस्टेंस है एंड 15,665 सपोर्ट है। अब अगर निफ्टी 15,690, ठीक है, 690 होल्ड कर रही है, ये अगर लेवल होल्ड है तो हम ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन हमें एक अपर मूव यहाँ से मिलनी चाहिए। 690 जब तक होल्ड है तब तक अब यहाँ से सेल नहीं करना है, सेल करने का टाइम आज था, मैंने कल क्लियर कट बोला था 890, 900, 920, 930 जहाँ भी आए कर लीजिएगा सेल। इससे क्रिस्टल क्लियर भी होता है क्या, मैं जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आप लोगों से, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या इससे भी क्रिस्टल क्लियर कुछ व्यू हो सकता है क्या, कि अगर ये लेवल ना क्रॉस करे यहाँ पे सेल ही करना है, बाई वर्ड ऐड नहीं किया। अब देखिए ना मार्केट 15,880 से कहां तक गिरा है, 710 तक, कितनी प्रॉफिट चाहिए, सिंपल से। एसएल कितना था, हमारे एसएल कितने होते हैं आप खुद बताओ कमेंट करके, 10 से 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, इससे ज्यादा तो मैं एसएल कभी बोलता ही नहीं रखना है। अब अगर आप 30 पॉइंट का एसएल डाल के सेल नहीं कर सकते दोस्त, क्या कर रहे हो मार्केट में, जस्ट आस्क योरसेल्फ। और ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सेल करने का, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, नॉलेज की कमी है। इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बोथ आर सेपरेट थिंग, हमेशा याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दोनों के ट्रैक अलग अलग जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको मिलाना पड़ता है। अगर नॉलेज है तो मजा आएगा, नॉलेज को हासिल कीजिए। यूट्यूब पे जो मिलता है ना वो इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, नॉलेज कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं मिलता है, यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। सो नॉलेज लेना हो सीखना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी से सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज बैक टू पवेलियन हो जाएगा। सो क्लियर कट व्यू है, 15,690 होल्ड है, डोंट सेल, थिंक अबाउट बाई, तो क्लियर कट व्यू दिया है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। और पाजी आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, आई डोंट नो। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, सेशन पसंद आ रहे हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो चैनल को लाइक और शेयर करके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद करूंगा जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।